सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जावा ट्यूटोरियल ऑफ को टर्मिनेटर जावा सीरीज, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में अपन क्या करेंगे, अपन आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कुछ सीखेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए, है ना। तो अपन चलते हैं ऊप्स की तरफ। तो ऊप्स में है क्या, ऊप्स है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्राइज टू मैप कोड इंस्ट्रक्शन विद रियल वर्ल्ड मैपिंग द कोड शॉर्ट एंड ईजियर टू अंडरस्टूड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या काम क्या आता है, एक तो कोड को छोटा करने का काम आता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज से जोड़ता है अपन को ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस में 5 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई हैं, 15 एम्प्लॉई, कितने भी एम्प्लॉई हैं, है ना। तो अपन ने एक ऊपर मेथड बना लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऊपर मेथड बना लिया। मेथड बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको मेथड में कुछ भी नेम, सैलरी और कुछ भी अपन एट्रीब्यूट वेरिएबल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो ये तो हुआ एक अपना जावा का काम। और ऊप्स में क्या होगा कि इसमें आगे अपन पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे, तो उसका बहुत बड़ा यूज है, है ना। तो अब इसमें क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग अ प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेज इन प्रोग्रामिंग, दिस इज कॉल्ड ऊप्स, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, व्हाट इज ड्राई, ड्राई क्या है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो आप अपने कोड को कभी रिपीट नहीं करोगे, कभी वही का वही सेम लाइन का कोड दोबारा नहीं लिखोगे, इसका ये होता है ट्राई, है ना। और ऊप्स ना जो कोड रियूजेबिलिटी का काम भी आता है, जिसको अपन इनहेरिटेंस कहते हैं, वो भी अपन आगे सीखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंट है, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड अ टेम्पलेट इज डिफाइंड मेमोरी। मतलब उस जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद ही मेमोरी एलोकेट होगी। जब अपन कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे क्लास का, तो उसके बाद ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेट होगी, है ना। अब अपन ऊप्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लेते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन क्या है, हाइडिंग ऑफ इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना कहते हैं अपन एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है कि यूज टू फोन विदाउट बोथरिंग अबाउट द हाउ इट वर्ड मेड, ये सब हम सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो अपन हम उसको यूज करते हैं, हम कंपनी के पास ये पूछने नहीं जाते कि ये बना कैसे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो अगला अपने पास क्या है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग वेरियस कंपोनेंट्स टुगेदर इन अ कैप्सूल, मतलब किसी से कुछ छुपाना, मतलब बहुत सारे तरह के जो भी कंपोनेंट्स है उसको एक साथ बांधना है कैप्सूल में। जैसे लैपटॉप इज अ सिंगल एंटिटी विद वाईफाई, स्पीकर, स्टोरेज इन अ सिंगल बॉक्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ एक ही में कर रहा है, तो इसको अपन एनकैप्सुलेशन कहते हैं ऊप्स की टर्मिनोलॉजी में। जावा एनकैप्सुलेशन सिंपली मीन्स दैट द सेंसिटिव डाटा कैन बी हिडन फ्रॉम द यूजर्स, मतलब जो प्रोग्रामर बताना नहीं चाहते हैं यूजर को, वो डाटा यूजर से छुपाया जाए। तो जैसे अब मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ, हाँ जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या होता है कि अपन ने मैसेज भेज दिया और उसको मैसेज मतलब आगे वाली रिसीवर को मैसेज मिल गया, तो अब तो अपन को ये नहीं बताया जाता कि मैसेज कहाँ पर स्टोर हुआ, है ना, और कहाँ से कहाँ होके मैसेज जा रहा है, ठीक है ना, पाथ क्या है और कहाँ पे स्टोर हुआ, कौन सा डाटाबेस में स्टोर हुआ, तो ये सब कुछ नहीं बताया जाता। अपन को खाली ऊपर का जो व्यू लेवल है उसी को बताया जाता है, है ना। तो ये अपना एनकैप्सुलेशन हो गया। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस यूज आता है रियूजेबिलिटी कोड रियूजेबिलिटी के काम आता है। ये कैसे, द एक्ट ऑफ डेराइविंग न्यू थिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग थिंग्स, जैसे कि मान के चलो अपने पास ना एक कोड, एक वो है मेथड है, अपन ने उसको इनहेरिट किया है दूसरे मेथड में, अपन ने उसका कुछ पार्ट लिया है
और दूसरी मेथड में अपन ने उसको यूज करा है। चिंता मत करो, अपन सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये तो खाली थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज है, अपन आगे पूरा पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वन एंटिटी मेनी फॉर्म्स। जैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, इन सब में ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। जैसे कि स्मार्टफोन फ़ोन है और स्मार्टफोन में कैलकुलेटर भी है ना। तो ये सारा कुछ है उप्स की टर्मिनोलॉजी, तो आप ये सब देख लेना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और बेस्ट पार्ट को कमेंट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करें, है ना। ओके, चलो चलते हैं।